हरिद्वार में दीप महोत्सव के खर्चे पर सवाल उठ रहे हैं। आरटीआई की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में 70 लाख के खर्च का ब्यौरा सामने आया है। दीपक तेल ज्यादा कीमत में खरीदने के आरोप लगे हैं। दीपक तेल मैचेस का ज्यादा दाम दिखाया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है इस मामले को लेकर। तो बता दें आपको कि हरिद्वार में जो दीप महोत्सव मनाया गया था उसके खर्चे पर अब सवाल उठने लगे हैं। भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। आरटीआई की रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिस रिपोर्ट में 70 लाख के खर्च का ब्यौरा सामने आया है। इस दीप महोत्सव में बताया जा रहा है कि दीपक तेल ज्यादा कीमत में खरीदे गए हैं, जिसका आरोप लगा है। तो दीपक तेल माचिस का ज्यादा दाम दिखाया गया है, यानी कि जो एक आम कीमत होती है उससे ज्यादा दीपक तेल और माचिस के दाम दिखाए गए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस मामले को लेकर अब उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर दी है। जो इन्होंने दिखाया है 6 रुपए का, आप ललतारों पुल जाइए वहाँ 2 रुपए से लिए। दीपक मिट्टी का तेल, तिल का तेल 250 रुपए लीटर बता रहे हैं, जो कि बाजार में 140, 150, 160 रुपए लीटर है। बत्ती 250 रुपए की बता रहे हैं। 50 रुपए का बत्ती का पैकेट आता है, जिसमें 200-250 बत्तियाँ होती हैं। ये दिनचर्या की चीज़ है। ऐसे कामों में, भजन संध्या के काम में भ्रष्टाचार करके हमारे उत्तराखंड के जो राज आंदोलनकारी थे, जो शहीद हुए थे, उनकी भावनाओं के साथ हरिद्वार के जिला प्रशासन ने, नगर निगम ने बहुत बड़ा आघात इस भ्रष्टाचार को करके किया है। 11 तारीख को दीप उत्सव का जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम था। तो हमारी मंशा ये थी कि हम उसको उसमें किसी तरह की कोई मटेरियल की कमी ना हो और टाइम एक्सटेंड विद इन टाइम सारी चीजें हो जाए, इसलिए हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो ली थी धनराशि की ली थी। हाउएवर इसमें अभी तक कोई पेमेंट हमारी तरफ से नहीं हुआ है। जो पेमेंट होगा वो एक्चुअल यूजेज पे होगा। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पारेट बाबा का मामला एक बार फिर चर्चाओं में है। बाबा के इलाज में लापरवाही के आरोप को लेकर एसएसपी हरिद्वार ने एसआईटी जांच के आदेश कर दिए हैं। दरअसल पारेट बाबा के शिष्य ब्रह्मानंद ने पारेट बाबा के इलाज में बरती है लापरवाही की जांच की मांग की, जिसके बाद एसएसपी ने एसपी सिटी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर जाँच शुरू कर दी है। बड़े पायलट बाबा जी के से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ मामला भी है, इसलिए संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए एसपी सिटी की अध्यक्षता में एक एसआईटी मेरे द्वारा गठित की गई है, जो इनके द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों की जांच भी करेंगे और उसमें अगर इस प्रकार की कोई अनियमितता बरती गई है तो उसको प्रकाश में भी लाएंगे। उसमें जो भी चीज़ आगे इस जाँच के उपरांत निकलेगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर पायलट बाबा के निधन के बाद उनके मौत के कारणों को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। उन्हीं के शिष्य ब्रह्मानंद ने एसएसपी हरिद्वार को शिकायती पत्र दिया और उसके बाद एसएसपी हरिद्वार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। अब एसआईटी ही इस पूरे मामले की जांच करेगी और जिसमें एसपी सिटी इस एसआईटी टीम का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में न केवल पायलट बाबा के शिष्य ब्रह्मानंद बल्कि उनके एक अन्य शिष्य संजय गिरी भी लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं, जिसके बाद से अब एसएसपी के द्वारा यह एसआईटी का गठन किया गया है। हालांकि जो आश्रम प्रबंधन है उनकी ओर से भी जो पायलट बाबा के दूसरे जो शिष्य हैं उन्होंने इस एसआईटी गठन का स्वागत किया है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस एसआईटी जांच के बाद जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो साफ हो जाए। लेकिन इन सब के बीच में एक बात ये तय है कि एक बार फिर से पायलट बाबा आश्रम चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि मामला जो उनके शिष्यों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके इलाज को लेकर लापरवाही बरती गई है। न्यूज़ स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। लक्सर में बिजली के पोल से टकराई बाइक, बड़ी जानकारी। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक